फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कार विमेन ट्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो में बताएंगे राउंड नेक को कैसे सेट किया जाता है। ये ब्रॉड वाला राउंड नेक है और ये इसको हम यहाँ से सेट करेंगे। कुर्ती को मैंने ऑन फोल्ड कर रखा है, यहाँ से हमने इसको 7 इंचेस लिया है। जो लोग बिगनर हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने नेक को स्टेप बाय स्टेप सेट करना बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वाले नेक में हम बुकरम की जगह पर पेपर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पेपर को हमने ऑन फोल्ड किया। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैंने लिया 3.5 इंचेस, यानी 3.5 इंच। फ्रेंड्स, जो नॉर्मल नेक हम लेते हैं उसे हम 2.5 इंचेस लेते हैं, और डीप में ले रही हूँ मैं 5 इंचेस। नीचे की तरफ से शेप देने के लिए भी मैं यहाँ 3.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ से हम 5 इंचेस पर एक लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, जहाँ पर हमने 5 इंचेस पर मार्क किया था। अब हम इसमें राउंड शेप देंगे। इसकी चौड़ाई में 1 इंच ले रही हूँ, इस तरह से। उसके बाद हम इसको सीजर से कट करेंगे। ये हमारा बैक वाला नेक है, इसको मैं 4 इंचेस ले रही हूँ, वेथ वाइज 3.5। इन दोनों नेक को कट करने के बाद फिर हम फैब्रिक पर इसको आयरन से पेस्ट करेंगे। पेपर फॉर्म को साइनिंग वाली साइड से हमें पेस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों नेक को इस तरह से पेस्ट कर लिया। अब हम इसको कट करेंगे। कट करते समय हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। फैब्रिक को मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। दोनों नेक को हमें सेम ऐसे ही कट करना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। दोनों नेक को हमने सेट कर लिया। अब हम इसे सेंटर से कट करके कुर्ती पे सेट करेंगे। ठीक वैसे ही ऑन फोल्ड करके सेंटर से एक कट हम कुर्ती पे करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर गहराई ज़्यादा दी है। अब कट से कट मैच करते हुए इसको जॉइंट करेंगे। नेक को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए हम नीचे की तरफ एक मार्क और करेंगे यहाँ पर सेंटर से, जिससे आपका नेक टेढ़ा नहीं होगा, दोनों साइड से इक्वल आएगा। एक सिलाई हम स्ट्रेट लगाएंगे सेंटर से, और बाकी की सिलाई हम नेक के शेप के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से। पेपर फॉर्म के ऊपर सिलाई नहीं करनी है हमें, बिल्कुल हम साइड से सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारा पूरा नेक सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे कट करेंगे। कट करते समय हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाकी के थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगाने हैं। इस तरह से पूरे नेक में हम कट करेंगे। इसे फोल्ड करने में आसानी होती है और शेप भी अच्छी आती है। हमारा बैक वाला नेक सेट हो चुका है। अब हम इसे शोल्डर से जॉइंट करेंगे इस तरह से। पेपर फॉर्म से जहाँ से हमने इसको सेट किया था, वहाँ से हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से जॉइंट करने से हमारे जो शोल्डर का जॉइंट है वो अंदर चला जाता है। इस साइड से भी हमें ऐसे ही जॉइंट करना है। दोनों साइड से जॉइंट होने के बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, और अब फाइनल सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अगर स्टिचिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, हमारा नेक सेट हो चुका है,
और मैं आपको इसे अंदर से दिखा देती हूँ। इसका जॉइंट देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगा, कितनी फिनिशिंग से आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। बाय एंड थैंक यू।